नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बैंकों में लंबी कतारें, अफरा तफरी, कई एटीएम अभी भी खाली। बैंकों के बाहर आज भी लंबी लंबी कतारें और अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। साथ ही बहुत से एटीएम अभी भी खाली हैं। यानी दो दिन के अंदर इनमें नई करेंसी नहीं डाली जा सकी है। लोग कई घंटे बैंकों के बाहर नकदी लेने के लिए लाइन में खड़े रहे। सरकार ने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया और उसकी जगह 500 और 2000 का नया नोट जारी किया है। आज सुबह से ही एटीएम मशीनों के पास पैसा निकालने वाले लोगों की लाइनें लगी थी। कई एटीएम अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। एटीएम मशीनों के बाहर जुटी भीड़ में लोग इससे काफी नाराज दिखे। बैंक अधिकारियों ने कहा कि सभी एटीएम शनिवार से काम करना शुरू कर देंगे। एटीएम से पुराने नोट हटा दिए गए हैं और उनमें 500 और 2000 के नए नोट डाले जाएंगे। बैंकर्स ने कहा कि 18 नवंबर तक एटीएम से प्रतिदिन 2000 रुपए प्रति कार्ड तक ही राशि निकाली जा सकेगी। इस सीमा को 19 नवंबर से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रतिदिन प्रति कार्ड किया जाएगा। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि एटीएम सेवाओं को पूरी तरह सामान्य होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। देश में करीब 2,00,000 एटीएम हैं। इनमें से कुछ एटीएम से सिर्फ 500 और 1000 के नोट ही मिलते रहे हैं। इन्हें 100 और 2000 रुपए के नोट के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी। एक दिन बंद रहने के बाद शुक्रवार को बैंक खुले थे। बैंकों में 500 और 1000 का नोट बदलवाने के लिए लाखों लोग पहुंचे। बैंक या चुनिंदा डाकघरों में एक व्यक्ति सिर्फ 4000 के नोट बदलवा सकता है। दिलचस्प ये है कि आज पुराने नोटों से पानी बिजली के बिलों के भुगतान की अंतिम तारीख थी। आज ही पुराने नोटों से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया जा सकता था। सरकारी अस्पतालों, मेट्रो और रेल टिकटों के लिए आज तक ही पुराने नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता था। आज मध्यरात्रि के बाद बिजली, पानी आदि जनसुविधा बिलों का भुगतान भी छोटी करेंसी या नई करेंसी में करना होगा। बैंक सप्ताह अंत में भी कम से कम 7 बजे तक खुले रहेंगे। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमित शाह का सवाल, सपा बसपा काला धन रखने वालों के साथ है या खिलाफ? मणिपुर में पेट्रोल 200 रुपए लीटर, जनता परेशान। टाटा केमिकल्स के निदेशक भास्कर भट्ट ने दिया इस्तीफा। डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री रहेगा, सुप्रीम कोर्ट। और अगरतला हवाई अड्डे पर दो बांग्लादेशी गिरफ्तार।